Hey guys, welcome back to my channel. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आमी पब्लिक स्कूल में अप्लाई कैसे करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आमी पब्लिक स्कूल में तीन पोस्ट होती है. फर्स्ट इज एडॉक, सेकेंड इज कॉन्ट्रेक्चुअल एंड थर्ड इज परमानेंट. अडॉक होता है उनके लिए जिनका CSB और सीटेट क्लियर नहीं होता है. वो एक 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है. ठीक है, तो इमेजिन कीजिए कि आपने अप्रैल में ज्वाइन किया 2023 में, तो वो मार्च 2024 में, 31 मार्च 2024 में वो ख़त्म हो जाएगा. नाउ अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल, वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है. और फिर परमानेंट तो परमानेंट ही होता है, उसका कोई एक पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है. बट कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट के लिए आपका CSB और सीटेट दोनों क्लियर होना चाहिए. ये हो गई बात. नाउ द थिंग इज, आपको कैसे पता चलेगा कि वैकेंसीज आई हैं? क्योंकि AWS की साइट में जाके वैकेंसी का पता नहीं चलता है. आपको ये खुद से करना पड़ता है. जस्ट बिकॉज आपका CSB क्लियर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे. CSB इज जस्ट अ एलिजिबिलिटी टेस्ट. ठीक है, आपको कैसे अप्लाई करना है अब मैं आपको बताती हूँ. आपके आसपास या फिर जिस भी आर्मी स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हैं, आप उस स्कूल में आपको पता करना है कि इंटरव्यू कब है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पता करो, ना ही कि AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये कि वो आपको बताए. वो नहीं बुलाएंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपको आपके सारे जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के डिग्री है वो लेना है. AWS की साइट पे जाना है, वहाँ पे एक बायोडाटा का फॉर्म होता है, वो निकालना है, उसका प्रिंट आउट वो फिल करना है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लेंगे, एंड अगर आपके पास CV है तो गुड, पर्सनल CV वो ऑप्शनल है, आपको डालना है या नहीं डालना है. द बायोडाटा जो आप डालेंगे दैट वर्क्स एज अ CV. प्लस अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं. अब मैंने क्या किया था, मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं था. इवन दो मैंने 10 महीने काम किए, जो मैं पहले वाले स्कूल में काम करती थी उन्होंने देने से मना कर दिया, लेकिन मैं भी थोड़ी सी चालू थी तो मैंने उनको बोला कि मुझे लोन लेना है और मुझे पे स्लिप चाहिए 3 महीने का, तो उन्होंने मुझे दे दिया. मैंने उसको एज एक्सपीरियंस शो किया था इन स्कूल. वैसे मुझे मांगा नहीं था एज सच कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाइए, मैंने मुंह से जब बोला था वो मांग चुके थे. बट स्टिल आपके पास अगर कोई एक कभी भी कुछ कोई मांग ले तो कुछ प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास एक्सपीरियंस है. एनीवे, ये रही डॉक्यूमेंटेशन की बात. इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप एक एनवेलप में डालेंगे A4 साइज, एंड यू विल हैंड इट ओवर टू द ऑफिस. तो जो भी ऑफिस में रहेंगे आप उनको ये हैंड ओवर करेंगे. अभी आपको कैसे पता चलेगा कि वैकेंसीज आई हैं? लोकल न्यूज़पेपर में डालते हैं, वेबसाइट में चेक कीजिए. वेबसाइट मतलब अगर आपको सोचिए APS से बीनागुरी में, बीनागुरी इज़ द नेम ऑफ अ कैंटोनमेंट, APS बीनागुरी में आपको इंटरव्यू देना है, तो आप क्या करेंगे, उसकी साइट पे जाएंगे और चेक करेंगे कि कब है इंटरव्यू. ठीक है, और इंटरव्यू के आई थिंक 10 दिन पहले ही आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देने सबमिट करने पड़ते हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट होता है जिससे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं. डेट निकल जाएगा तो आप उसके बाद आप चाहे डॉक्यूमेंट सबमिट करो चाहे कुछ भी करो, आपका सिलेक्शन आपको नहीं बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए. तो बस यही प्रोसीजर है APS में अप्लाई करने का. आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, एंड इसका मैं Part 2 बनाने वाली हूँ, हाउ टू क्लियर आर्मी पब्लिक स्कूल इंटरव्यू, बहुत जल्द आने वाला है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको पता चल जाए मैं कब वो वीडियो डालने वाली हूँ. थैंक यू.